आज देखिए मैं कॉलियस लगाने जा रही हूँ। देखिए मैं अपने गार्डन से ही कॉलियस लेके आई हूँ। देखिए कितना सुंदर है। मैं आज इसको सभी कलर के मिक्स एक गमले में लगाऊंगी। सभी पूरा गुलदस्ते की टाइप लगेगा। देखिए उसके लिए मैंने ये गमला लिया है। इसमें सारी मिट्टी मिक्स कर ली है, भुरभुरी मिट्टी और इस तरह से। और उसके बाद मैंने ये गोबर की खाद है। देखिए गोबर की खाद डालोगे तो पौधों में खूब अच्छे से इनका कलर उभर के आता है। खूब अच्छे से इस तरह से आप मिक्स कर दीजिए उसको खूब अच्छे से मिट्टी को। और आज मैं इसको सभी कलर की पौधे इसको मिक्स करके लगाऊंगी। पहले मैं ये मैरून वाला लगाऊंगी बीच में, उसके बाद इसको ये ग्रीन लगाऊंगी इस साइड, इस साइड ये लगाऊंगी और इस साइड ये। इस तरह से मैं इसको ऐसे देखिए इस तरह से ही मेरा पूरा भरा भरा गमला खूब सुंदर लगेगा। अब इस चारों तरफ में मिट्टी डालूंगी। इस तरह से आप चारों तरफ इसकी मिट्टी डाल दीजिए। मिट्टी आपकी भुरभुरी होनी चाहिए, ज़्यादा चिकनी मिट्टी में पौधे नहीं पनपते हैं, इसलिए मिट्टी को थोड़ा सूखी और भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए। मिक्स सॉइल्स होनी चाहिए आपकी, मेरे गार्डन की ये सॉइल्स। इस तरह से इसको चारों तरफ से आप ये देखिए इस तरह से लगाइए, इसको ऐसे दबा दीजिए। अब ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अब इसके बाद मैं थोड़ी सी फिर से गोबर की खाद डालूंगी इसमें। गोबर की खाद डालोगे तो कम पौधों में जान आ जाती है, इनकी पौष्टिकता बढ़ जाती है। इस तरह से डाल के चारों तरफ ये देखिए। और उसके बाद फिर से इसके ऊपर मिट्टी डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो हमारी खाद डाली है हमने गोबर की, इसकी पूरी पौष्टिकता पौधों को मिल जाए। इस तरह से ये हमारा एक कितना सुंदर पॉट का गमला बन गया। चारों तरफ ये पीले वाला अलग कलर है, ये भी अलग कलर है, ग्रीन कलर है, ये कितना सुंदर लग रहा है। इस तरह से मैंने इसको आज सोचा कि मैं एक गमला इस तरह बनाऊं जिसमें कलरफुल कोलियस को देख के सब बहुत आकर्षित होते हैं। इनकी पत्तों की सुंदरता को देख कर बहुत ही अच्छा लगता है। मैंने अपने गार्डन में भी बहुत सारे कोलियस लगाए हैं हर कलर के, और आज मैंने एक गमला भी इस तरह से कोलियस का बड़ा ही सुंदर अच्छा लग रहा है। इस तरह से आप भी अपने कोलियस को सभी डंडियों को ये कटिंग से बड़ी आसानी से लग जाता है। और थोड़ा सा पानी की ज़रूरत है, अभी बारिश में ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा पानी बस। और देखिए हमारा गमला तैयार है। इस तरह से आप अपने आसानी से एक पॉट मैंने तैयार कर लिया है। आप भी अपने कोलियस को इस तरह से लगा के अपने घर की शोभा बढ़ा सकते हैं और गमले गार्डन की। थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना और कोलियस को अपने घर में जरूर लगाना।